फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नेबी रॉक्स टीम्स। तो हम आप लोगों के लिए आगे भाई वो मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा यूरोपियन टी10 बार्सिलोना लीग का। बहुत सारे मैचेस है एक टाइम में, मतलब आधे आधे घंटे के गैप में कम से कम तीन मैच है। एक है ओडीआई, ये भी बहुत ज़बरदस्त मैच है, जैकपॉट मैच है ये वाला। तो आपकी पूरी टीम आएगी। और बात करूँ इस मैच की, इसकी टीम मैं ओपन देने वाला हूँ। बात करूँ भाई इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो ग्रुप का नाम ध्यान से देख लो कि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि आप देख सकते हैं भाइयों। तो चलते हैं नीचे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे विनिंग, तो आके भी देख सकते हैं ग्रुप का नाम। बस आप देख लो कि आपको टीम पोस्ट हो जाए। मैं नहीं चाहता कि आपको टीम में कुछ प्रॉब्लम आए, ये ना हो कि कोई प्लेयर ना खेले और आप चेंज ना कर पाओ। तो बढ़ते हैं आगे। इसी बात से अगर मैं बात करूँ तो UCC वर्सेस FZL, FZL टीम अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, UCC ठीक ठाक है, लेकिन FZL तो भाई आपको पता ही है क्या टीम है। बात करूँ विकेट कीपर की तो ए अहमद अपनी टीम से ओपनर आता है। प्रीवियस मैच में इसने 42 पॉइंट दिए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं 25 रन इसने मारे थे। अगर आप इसका टोटल देखो, टोटली भाइयों 5 मैच में इसने बहुत ज़बरदस्त खेला है। जो स्टार्टिंग के 5 मैचेस थे ना, उसमें इस बंदे ने रिकॉर्ड तोड़ पारियां खेली हैं। लेकिन अब देखा जाए तो यार अब ये थोड़ा एवरेज में आ गया, लेकिन आज इसके चलने के बहुत चांस हैं। अब नीचे से आपको एक प्लेयर दिख रहा होगा एम एहसान को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 विकेट कीपर जब भी अगर आप लो तो देख के लिया करो कि कौन सा लेना है। ये गोलकीपर आई थिंक आज ना भी चले, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि ये जो MSN एक प्लेयर है, ये बहुत ही रेयर प्लेयर है। ये जब हल्की टीम होती है ना ओपोनेंट, ये उसके सामने बहुत मारता है। लेकिन FZL के बॉलर इतने स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक ये उनको मारने के लिए मजबूर हो जाएगा, लेकिन आउट बहुत जल्दी होगा। बात करूँ बैट्समैन की तो के एम आदि का क्या, जब मैं फर्स्ट मैच हुआ था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 12 अक्टूबर की बात है ये, 12 अक्टूबर की इसकी 66% सिलेक्शन थी, 72 इसने पॉइंट मारे थे। और इसके अंदर खासियत क्या है कि 72 पॉइंट इसलिए थे क्योंकि इसने 2 विकेट्स ले ली थी, क्योंकि KM Ahdi 2 ओवर बॉलिंग डालता है। दिखने में बैट्समैन जरूर है, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन भी है, लेकिन इसकी बॉलिंग आहा मज़ेदार भाइयों। ये आगे से बात करो एक और प्लेयर ए सरवार जो कि ये एक प्लेयर आपको जो मैंने बताया ए अहमद के साथ ओपनर आता है। ए सरवार एक एवरेज प्लेयर है, एक आधी पारी ऐसी खेलता है, मतलब अगर देखा जाए तो, मतलब जब भी सीरीज शुरू होती है मैंने एक बार इसको ऐसा देखा है कि कोई बड़ी बात नहीं ये सेंचुरी भी मार दे। लेकिन वो मैच कौन सा होगा जिसमें ये सेंचुरी या हाफ सेंचुरी मारेगा, हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते। लेकिन फिर भी मैं इसको अपनी टीम में ट्राई करता रहता हूँ, क्योंकि ओपनर लेना मेन होता है यार, जो मर्जी मैच खेल लो। आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा ए मोहम्मद की बहुत ज़बरदस्त बात हुई थी जब ये पहला मैच था, आप देख सकते हो 12 अक्टूबर को, ये भी मेरी टीम में उस वक्त था वाइस कैप्टन। नहीं विश्वास हो रहा आके देख सकते हो 12 अक्टूबर का मेरे ग्रुप में। तो पिछला मैच ये खेला नहीं, तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि ये टॉप के प्लेयर नहीं खिलवाते तभी इनकी टीम हारती है, क्योंकि जो इसकी बॉलिंग है ये फर्स्ट ओवर और थर्ड ओवर बॉलिंग डालता है जब भी ये खेलता है। और प्लेयर भाइयों ओपनर भी आता है, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। बात करूँ ऑलराउंडर की तो के राजा का क्या है, ये नॉर्मल बॉलर है, 1 डाउन आता है अपनी टीम से, एक नॉर्मल बॉलर भी है और ठीक ठाक खेलता है। और आगे से बात करूँ एस अहमद तो हर बार मेरी टीम में रहता है, जो मर्जी हो जाए हर बार मेरी टीम में रहता है प्लेयर। इवन भाइयों बॉलर बहुत ज़बरदस्त है, मैं इसकी बॉलिंग के ऊपर इसको लेता हूँ। आगे से बात करूँ यहाँ से आपको एक प्लेयर मिलता है टॉप का SSafdar Khan, इसकी बॉलिंग मतलब ज़बरदस्त बॉलिंग, मतलब आप देखा जाए तो 2 मैचेस बीच में खेला नहीं, एक में फ्लॉप गया लेकिन बाकियों में अल्ट्रा रॉक किया था इसने। प्रीवियस मैच में जो कि हुआ था 26 अक्टूबर को 5 विकेट्स ले ली थी, 0 पे आउट हो गया था, लेकिन 5 विकेट्स यार क्या बोलूँ, 5 विकेट लेना एक T10 मैच में, वो भी एक प्लेयर द्वारा, बहुत बड़ी बात है। आगे से बात करूँ पी सिंह की 0.33% सिलेक्शन है, ये इसलिए है एक्चुअली 0.76% एक्चुअली ये इसलिए है, पी सिंह ने अभी तक एक मैच खेला है, एक मैच में सिंगल विकेट पॉक कर ली थी क्योंकि ये 2 ओवर बॉलिंग डालता है। अगर ये आज का मैच खेला तो हमारे लिए गोल्डन प्लेयर होगा, अगर ये 1 या 2 विकेट्स भी ले गया। बात करूँ बॉलर की तो एस फैजल हुसैन की बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, UCC की तरफ से जो बॉलिंग करता है ना, आई थिंक इसके सामने कोई प्लेयर ना टिके। टी इकबाल यहाँ से आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर मिलता है, ये प्रॉपर बॉलर है, अगर इसकी कॉन्विडेट गिरेगी तो ये माइनस भी करवा के जाएगा, अगर ये विकेट लेगा तो बढ़ेंगे भी, मतलब इसकी बैटिंग साइड मत देखो प्लेयर की, इकबाल इज ए नॉर्मल बॉलर। और आगे से बात करूं के मोहम्मद भी बॉलिंग के कारण जाना जाता है क्योंकि ये T10 में बहुत जबरदस्त बॉलर जो है ना, यही 3 है। आगे से बात करूं कैप्टन वाइस कैप्टन की, सबका कैप्टन ए अहमद रहने वाला है भाई, मेरे को बैटिंग पे भरोसा नहीं लग रहा क्योंकि बॉलिंग पिच है, ऑलरेडी इनके इतने जबरदस्त बॉलर हैं, क्या पता इसको मौका नहीं, क्या पता इसको 0 पे भी उड़ा दें, क्या पता सेंचुरी भी मार दे, कुछ भी हो सकता है, तभी मैंने इसको VC रखा है क्योंकि मैं रिस्क इतना बड़ा नहीं ले सकता। लेकिन मेरा कैप्टन है सफदर खान। मिलता हूं भाई अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।